हेलो दोस्तों, आप देख रहे हैं स्टडी जी के एजुकेशन। दोस्तों यहाँ पे बात करेंगे 5 अगस्त की करंट अफेयर्स की। बहुत ही इम्पोर्टेंट होने वाले हैं ये करंट अफेयर्स। दोस्तों मैं एक चीज़ बताना चाहता हूँ आपको, यदि मैं करंट अफेयर्स बताता हूँ आपको कहीं भी गलती लगती है या गलत लगता है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता सकते हैं कि आपने बताया है जो गलत है। इससे कुछ सीखने को और सुधारने को मिलता है दोस्तों, तो आप कभी भी ये ना सोचें कि कुछ गलत है तो उसको कमेंट बॉक्स में ना बताएं। कमेंट बॉक्स में कमेंट करके आप बता सकते हैं। तो आज देर ना करते हुए चलिए स्टार्ट करते हैं। दोस्तों एक चीज़ बता दें कि वीडियो को लाइक ज़रूर करें। लाइक करने से पता चलता है कि आप वीडियो को पसंद करते हैं या वीडियो आप देखते हैं। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं पहला क्वेश्चन। यहाँ से पहला क्वेश्चन दोस्तों इसमें है, हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय T20 क्रिकेट में सर्वाधिक छक्के लगाने का रिकॉर्ड किसने बनाया? तो दोस्तों बता दें यहाँ पे रोहित शर्मा ने सबसे ज़्यादा छक्के लगाने का रिकॉर्ड बनाया है। इन्होंने 106 छक्के लगाए हैं और ये लास्ट जो छक्के लगाए हैं 106वां जो छक्का है वो इसने आपके वेस्ट इंडीज़ के ख़िलाफ़ इन्होंने लगाए हैं। अभी वेस्ट इंडीज़ का मैच चल रहा है उसमें इन्होंने 106 छक्के पूरे किए हैं। और इससे पहले आपको बता दें कि क्रिस गेल ने 105 छक्के लगाए थे, वो दूसरे नंबर पे हैं और पहले नंबर पे पहुंच गए हैं रोहित शर्मा। तो इसमें आपका आंसर हो जाएगा रोहित शर्मा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे दूसरा, हाल ही में समर्थ पहल की शुरुआत की गई है। तो समर्थ पहल की शुरुआत आपको फ्लिपकार्ट के द्वारा की गई है, तो फ्लिपकार्ट के बारे में हम बताएंगे और ये समर्थ क्या है इसके बारे में बताते हैं आपको। समर्थ देखिए दोस्तों मैं बता दूं कि बुनकर जो होते हैं, जो हाथ से कुछ भी बनाते हैं, कपड़े हो या कुछ भी, उसको ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर उतारने के लिए फ्लिपकार्ट ने समर्थ ये पहल का शुरुआत किया है। समर्थ पहल का शुरुआत किया है और फ्लिपकार्ट का हेडक्वार्टर बता दें आपको कि बेंगलुरु में है फ्लिपकार्ट का हेडक्वार्टर। और फ्लिपकार्ट की जो स्थापना हुई थी 2007 में इसकी स्थापना हुई थी और इसके जो आपको सीईओ हैं कल्याण कृष्णमूर्ति हैं और दो इसके जो बता दें आपको कि स्टार्ट किया था जो आपको फ्लिपकार्ट वो आपके बंसल बंसल जो सचिन बंसल थे और बिन्नी बंसल थे उन्होंने मिलके स्टार्ट किया था आपका ये फ्लिपकार्ट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं दोस्तों। यदि कुछ सुझाव भी आपको देना है तो आप कमेंट बॉक्स में सुझाव दे सकते हैं दोस्तों। इसे यहाँ तीसरा क्वेश्चन देखेंगे, हाल ही में एरो 3 मिसाइल, दोस्तों यहाँ फ्री नहीं होगा, यहाँ थ्री होगा, यहाँ थ्री होगा, एरो 3 मिसाइल का सफलतापूर्वक परीक्षण किया गया, किस देश ने किया ये परीक्षण? तो आपको इजराइल ने किया। आपको बता दें कि यहाँ पे अमेरिकी मिसाइल डिफेंस एजेंसी की मदद से अलास्का में इसका वो किया गया, सफलतापूर्वक परीक्षण किया गया, तो इसमें इजराइल हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं दोस्तों, प्राइड ऑफ द नेशन अवार्ड, प्राइड ऑफ द नेशन अवार्ड से किस व्यक्ति को सम्मानित किया गया है? तो डॉक्टर विनायक एस हिरमत को यहाँ पे प्राइड ऑफ द नेशन अवार्ड से सम्मानित किया गया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे, हाल ही में पराग कणों की रक्षा के लिए वैश्विक गठबंधन में कौन सा देश शामिल हुआ? तो वैश्विक गठबंधन में आपको पराग कण में यहाँ पे की रक्षा के लिए वैश्विक गठबंधन में नाइजीरिया शामिल हुआ है और ये अफ्रीका का चौथा देश है जो शामिल हुआ है आपको इस बार। और पहला इसमें जो अफ्रीका का देश इथियोपिया था जो इसमें शामिल हुआ था 2007 में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं दोस्तों। यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में 5वीं अंतर्राष्ट्रीय धर्म धम्म सम्मेलन का आयोजन कहाँ किया गया? तो 5वीं अंतर्राष्ट्रीय धर्म धम्म ये आपको राजगीर बिहार में पड़ता है, यहाँ वहाँ पे किया गया है। और बता दें कि इसका आपको जो मुख्य उद्देश्य है आतंकवाद और हिंसा और ग्लोबल वार्मिंग जैसे मुद्दों पे इसमें डिस्कशन किया गया था। और यहाँ पे हम देखेंगे दोस्तों
कि पटना के सीएम, बिहार की राजधानी कहाँ पे है, तो पटना है आपकी, और यहाँ के सीएम कौन है, नीतीश कुमार हैं, और यहाँ पे नए एक गवर्नर गवर्नर अभी नियुक्त किए गए हैं। तो आप कमेंट बॉक्स में दोस्तों बता सकते हैं कि अभी बिहार के नए गवर्नर किसको नियुक्त किया गया है, मैं अगले वीडियो में आपको बता दूंगा। आप कमेंट करके बता सकते हैं कि बिहार के नए गवर्नर किसको नियुक्त किया गया है। तो वीडियो देखने के लिए धन्यवाद दोस्तों, वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर करें।